सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज योर सायेदारी संलेख। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सायेदारी संलेख। आपको बताया गया था कि जब कभी कोई व्यापार में सायेदार बनते हैं तो इन सायेदारों के बीच में क्या होता है? समझौता। अब मैंने बोला था समझौता मौखिक भी हो सकता है या लिखित भी हो सकता है, तो आपने हमको क्या सलाह दिया था? सर लिखित होना ज़्यादा बेटर है। बस जब सायेदारों के मध्य लिखित समझौता होता है, एक पत्र में, एक पत्र होता है, कागज़ का टुकड़ा होता है और बाकायदा उसमें सारे समझौते होते हैं, लिखित समझौते होते हैं, और अंत में समझौता के अंत में क्या होता है? दोनों सायेदारों का क्या होता है? हस्ताक्षर होता है, यानी सहमति होता है। इसी लिखित प्रपत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सायेदारी संलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझौता पत्र को ही सायेदारी संलेख बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो देखो सायेदारी संलेख का मतलब क्या है। सायेदारी संलेख एक ऐसा लिखित प्रपत्र है जिसमें सायेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों और शर्तों का उल्लेख किया जाता है। मतलब सायेदारी संलेख एक ऐसा लिखित प्रपत्र होता है जिसमें सायेदारी व्यवसाय जो चलाएंगे ना उसके संचालन कैसे करना है, उसके नियम, उसकी शर्तें, सायेदार लाभ में हिस्सा कैसे बांटेंगे, सारी शर्तें, नियम, शर्तें सब किसमें लिखी होती है? इसी समझौते पत्र में लिखी होती है। ठीक है, यह समझौता लिखित या मौखिक भी हो सकता है। हालांकि अगर मौखिक भी है तो उसको भी संलेख तो नहीं बोल सकते, क्योंकि संलेख जब लिखित होगा तो लिखित ही होगा। बट ये बोल रहा है कि समझौता मौखिक लिखित हो सकता है, बट संलेख जो होता है वो सायेदारी संलेख जो होगा वो क्या रहेगा? हमेशा लिखित ही रहता है। क्लियर है? सायेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है। अगर कोई सायेदार फर्म संलेख नहीं रखते हैं तो जरूरी नहीं उनको संलेख रखना अनिवार्य नहीं है, बट आपके हिसाब से ज़्यादा अच्छा क्या कहलाना चाहिए? संलेख होना चाहिए, बाकायदा लिखित में होना चाहिए, बिल्कुल रजिस्टर्ड होना चाहिए। आई बात समझ में? अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर ठीक है समझ में तो आ गया, लेकिन इस संलेख के अंदर में कौन कौन सी बातें लिखी होती है? तो सायेदारी संलेख में ये सब मुख्य बातें लिखी होती है। बातें तो बहुत सारी लिखी होती है, बट जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसके बारे में हम लोग बात क्या कर लेते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहले सायेदारी संलेख में क्या लिखा रहेगा? पहले तो आपके जो व्यापारिक फर्म है ना उसका फर्म का नाम और क्या लिखा रहेगा? पता, मोबाइल नंबर, फोन नंबर, इंस्टा आईडी सब कुछ लिखा रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? सायेदार का नाम व पता। इसमें दूसरा क्या लिखा रहेगा? सायेदार का नाम क्या है, उनका पता क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका इंस्टा आईडी क्या है, फेसबुक आईडी क्या है, सब दुनियादारी सब लिखा होगा आज के जमाने के हिसाब से। ठीक, व्यापार की प्रकृति व आकार, मतलब व्यापार किस प्रकृति का है। प्रकृति का मतलब है कि व्यापार किस प्रकार का किया जा रहा है। अब देखो व्यापार भी अलग अलग प्रकार का होता है। एक माल को बनाकर बेचने का व्यापार, मतलब आप माल बना रहे हो बेच रहे हो, यानी कि बाकायदा आपकी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करते हो, वैसा व्यापार, वो प्रकृति होती है। या कई बार आप माल को क्या करते हो? खरीद कर बेच देते हो, ये भी एक व्यापारिक होती है। या कई बार आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, मान लीजिए आप एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, एक प्रकार से कोचिंग सेंटर चला रहे हो, वो भी एक प्रकार का आप तो व्यापारी कहलाने लगा भैया, हालांकि वो पेशा है, मतलब किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या आप होटल का बिजनेस कर रहे हो या रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रहे हो, क्या है ये? पेशा नहीं है, ये सिर्फ व्यापार है। कोचिंग सेंटर चला रहे हो पेशा, चलो कोचिंग सेंटर को अपन पार्टनरशिप फॉर्म से अलग रखते हैं। हम बात कर रहे हैं किसका, जैसे आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, ठीक है, आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, उसमें क्या कर रहे हो? आप सर्विस दे रहे हो लोगों को, या फिर आप होटल चला रहे हो रहने का, ठीक है, तो उसका सर्विस दे रहे हो, तो इस प्रकार का किस प्रकार का प्रकृति है आपके व्यापार का, किस प्रकार का, या बैंकिंग व्यापार कर रहे हो उसकी प्रकृति लिखी होती है, किस प्रकार का आपका व्यापार है। आकार, व्यापार का आकार क्या है, कितना बड़ा व्यापार है। जितना ज़्यादा पूंजी होगा आकार भी उतना बड़ा होगा। आकार मतलब क्या मोहल्ले के अंतर्गत आप व्यापार कर रहे हो, या किसी एक शहर के अंतर्गत व्यापार कर रहे हो, या किसी राज्य के अंतर्गत आपका व्यापार हो रहा है, या पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। मतलब आप माल, अब देखो अपने 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 मोहल्ले में ही माल बेचोगे, अपने शहर में माल बेचोगे तो जिला स्तरीय हो गया, राज्य के अंदर बेचोगे राज्य स्तरीय हो गया। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचोगे, छत्तीसगढ़ में रह के मध्य प्रदेश को माल बेचोगे, राष्ट्रीय व्यापार हो गया। और अगर छत्तीसगढ़ में रह के या फिर बिलासपुर में रह के या इंडिया में रह के आप माल जो श्रीलंका में माल क्या कर रहे हो, या चाइना में माल क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, वहाँ माल बेच रहे हो, तो फिर भैया क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय। तो व्यापार की आकार क्या है उसके बारे में डिस्कस लिखा होता है यहाँ पे। सायेदारी का, सायेदारों की पूंजी, सभी सायेदार ने कितने रुपए की पूंजी लगाई है, सबका सायेदार का पूंजी का उल्लेख होता है, किस सायेदार ने कितना पूंजी लगाया है। आपके दिमाग में सायेदारी में क्या होगा, दिमाग में आया होगा कि हर एक सायेदार बराबर पूंजी लगाता होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। कुछ भी लगा सकते हैं, या तो बराबर भी लगा सकते हैं या अलग अलग भी लगा सकते हैं। कोई सायेदार ज़्यादा लगाता है, कोई सायेदार कम लगाता है। ठीक, इसके बाद बच्चों अगला क्या है? सायेदारों के आहरण। आहरण का मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी से हमको। आहरण का मतलब, हाँ जी निजी, हाँ वेरी गुड। जब व्यापार का मालिक अपने निजी उपयोग के लिए व्यापार से कुछ भी चीज़ निकाले, चाहे रोकड़ निकाले या माल निकाले या कोई भी संपत्ति निकाले, उसको क्या बोलते हैं? आहरण। सीखे हम लोग आहरण के बारे में, लेकिन भैया यहाँ तो मालिक अनेक है, मालिक अनेक है कि नहीं है। अब मान लीजिए एक सायेदार है, अब सायेदार आया वो भी मालिक है, मान लीजिए एक सायेदार मालिक है, दूसरा सायेदार भी मालिक है। अब एक सायेदार आया, वो व्यापार से क्या किया, 10,000 का माल निकाल के ले गया। अब दूसरा सायेदार देखा, यार ये अपने आप को बड़ा व्यापार का मालिकाना है, झाड़ रहा, चल जब ये निकाला 10 का, चल मैं 11 का निकाल लेता हूँ। वो भी 11,000 का माल निकाल के लेके चला गया। फिर देखा जब 11 का निकाला है तो मैं भी निकाल लेता हूँ, 12 का निकाल लेता हूँ। तो ऐसे कंपटीशन चलता रहेगा, तो व्यापार हो पाएगा कैसे में? वैसे में तो व्यापार धरा का धरा रह जाएगा। तो इसके बारे में उन लोग रूल बना लेते हैं।
कि सायेदार लोग हरण तो कर सकते हैं लेकिन कितना हरण करेंगे, एक लिमिट सेट कर देते हैं कि साल भर में 10,000 से ज़्यादा हरण नहीं कर सकते या 1,00,000 से ज़्यादा हरण नहीं करेंगे, तो एक लिमिट सेट कर देते हैं। तो वो लिमिट किस में लिखा होता है, मतलब एक सायेदार जो है हरण कर सकता है बट इससे ज़्यादा हरण नहीं कर सकता, इससे क्या होता है व्यापार भी सुचारू ढंग से क्या होता है चलता है। ठीक, अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बातें आती है और वो है तुम्हारा क्या, पूंजी पर ब्याज। क्या है, पूंजी पर ब्याज समझना। देखो अब मैं सिखा रहा हूँ आप लोग को क्या, पूंजी पर ब्याज सिखा रहा हूँ ना, क्या सिखा रहा हूँ मैं तुम लोग को, पूंजी पर ब्याज। देखो क्या होता है, ये है आपका फर्म और ये है आपके कौन, साझेदार। साझेदार फर्म में पूंजी लगाते हैं तो बोलो पैसा कौन रखा है, फर्म रखा पैसा। पैसा किसके पास है, फर्म के पास पैसा है भैया। ठीक है, तो पूंजी क्यों लगाया, बदले में क्या मिलेगा साझेदार को, लाभ। बदले में क्या मिलेगा, लाभ। पर साझेदार, कुछ साझेदार ना बहुत डेढ़ साढ़े होते हैं, वो क्या सोचते हैं, वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखते हैं। वो सोचते हैं यार देखो मैंने 1,00,000 रुपये मेरे पूंजी, मतलब मान लीजिए मैंने पूंजी के रूप में 1,00,000 रुपये लगा दिया तो लाभ हुआ तो अच्छी बात है, और हानि हो गया तो पैसा डूब भी जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ठीक है लाभ होगा हानि होगा अपना अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। ठीक है, वो बोलते कि अगर मैं 1,00,000 रुपये को बैंक में जमा करता तो मुझे कम से कम 10,000 ब्याज तो मिलता, ये सोच के चल रहे हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना वो ब्याज जो हम बैंक से वसूलते वो ब्याज हम किससे वसूले, व्यापार से वसूले। तो साझेदार लोग क्या करते हैं, व्यापार में जब पूंजी लगाते हैं ना तो लाभ मिलेगा तो अलग मैटर है, वो लोग क्या करते हैं अपने पूंजी पर ब्याज की आशा करते हैं। तो साझेदार लोग आपस में समझौता करते हैं क्या हमको ब्याज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि साझेदार अगर व्यापार में पूंजी लगा रहे तो क्या उनको ब्याज लेना चाहिए अपने व्यापार से या नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए भाई, अपने पैसे से कोई ब्याज लेता है क्या, व्यापार करने लगाए हो यार, व्यापार को आगे बढ़ाओ, व्यापार से तुम्हें व्यापार को पूरा चित्र डालोगे तो फिर बचेगा क्या व्यापार में, है ना। बट कई साझेदार लोग ऐसा होते हैं कि वो लोग ब्याज का भी प्रावधान करते हैं, आया बात समझ में, इसी को बोलते हैं क्या, पूंजी पर ब्याज। तो फर्म है, तो फर्म क्या कर रहा है, देखो पूंजी दिया तो पैसा कौन रखा है, फर्म, तो ब्याज कौन देगा, फर्म। तो बेटा फर्म ब्याज क्या करेगा, साझेदार को क्या करेगा, देगा। इसी को बोलते हैं पूंजी पर ब्याज, क्या बोलते हैं, पूंजी पर ब्याज। अच्छा आप लोग क्या पढ़ रहे हो, साझेदारी फर्म। जब भी कोई चीज़ का पढ़ाई करते हैं ना हम लोग अकाउंटेंसी में, तो हम लोग को एक कैरेक्टर में ढलना पड़ता है, और बेटा यहाँ पे दो कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं बार बार, एक फर्म और दूसरा साझेदार। बताओ आप कौन से कैरेक्टर में ढलोगे, आपको क्या बन के पढ़ना है, आप अपने आप को फनाई, आप अपने आप को फर्म मान के समझना, क्या समझना अपने आप को, आप फर्म हो, यानी आपको साझेदार पूंजी लगा रहा समझना, मेरे पास पूंजी आ रहा है और मैं पूंजी पर ब्याज क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। यही कारण है कि पूंजी पर ब्याज एक तरह का क्या होता है, आपके व्यापार के लिए व्यय होता है, क्या होता है, व्यय होता है। दिमाग में बैठा बात की नहीं बैठा, तो पूंजी पर ब्याज फर्म साझेदार को देता है उनके पूंजी पर, समझ में आया। और एक प्रकार से उसके लिए क्या होता है, व्यय, क्योंकि भैया आप दे रहे हो, देखो यहाँ पे ब्याज आप दे रहे हो, क्या है आपके लिए, व्यय है, क्या है, व्यय, खर्च है। अब मुझे पूछना व्यय का मतलब क्या होता है, खर्चा, एक्सपेंसेस, आया बात समझ में, कोई दिक्कत। इसके बाद बच्चों अगला क्या आता है, आहरण पर ब्याज, क्या आता है, आहरण पर ब्याज। तो देखिए ये व्यापार है और ये व्यापार के कौन है, साझेदार है। इस बार क्या होता है, देखो आहरण का मतलब क्या होता है, साझेदार अपने निजी पर्पस से, निजी उपयोग हेतु कुछ भी फर्म से निकालते तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आहरण। बताओ इस बार पैसा कौन रखा है, पैसा किसके पास है, साझेदार के पास है। अब क्या करेगा फर्म जो है, साझेदारों पर क्या चार्ज करता है कि भैया देख तू पैसा लेके गया है, पैसा लौटा और नहीं लौटा पाया या नहीं लौटा रहा तो भैया उस पर ब्याज भी दे, तू 10,000 लेकर गया ठीक है ले जा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब लौटाएगा भैया ब्याज के साथ लौटाना। फर्म और साझेदार हम हैं अलग मैटर है, लेकिन भैया लेन देन अपनी जगह पे है। तो अगर तू 10,000 रुपये हमसे लिया है तो कल तो तू लौटाएगा 10,000, बट ब्याज के साथ भी लौटाना। तो ब्याज दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, तो ब्याज बताओ कौन देगा इस बार, साझेदार। तो बताइए आपके पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है ब्याज का, इस बार ब्याज कौन दे रहा है, साझेदार दे रहा है। तो आपके लिए आए है कि वह आए है। तो आहरण पर ब्याज हमेशा क्या होता है बच्चों, आए होता, दिमाग बैठा लेंगे, क्योंकि साझेदार हमको ब्याज दे रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये कहानी कोई परेशानी। तो इसका भी उल्लेख होता है, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा उसका उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है, आहरण पर ब्याज वसूला जाएगा कि नहीं वसूला जाएगा उसका भी उल्लेख साझेदार पे होता है। अब कल को आप साझेदार बनोगे तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले लेना भैया देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप जानना, कोई दिक्कत। इसके बाद बात आती है लाभ हानि विभाजन अनुपात। लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा, कैसे लोग आपस में लाभ को क्या करेंगे, बांटेंगे। जनरली जैसे लाभ विभाजन अनुपात, जैसे तीन साझेदार है ABC सपोज, अब इनका लाभ विभाजन अनुपात हमने बोल दिया मान लो 3:2:1 ऐसा बोल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्म में 3, 2, 5, 5 और 1, 6 अगर फर्म में 6 रुपया का लाभ हुआ भैया, अगर फर्म में 6 रुपये का लाभ हुआ तो उस 6 रुपये में से 3 रुपये ए रखेगा, 2 रुपये बी रखेगा और 1 रुपये कौन रखेगा, सी रखेगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, हाँ जी। और कोई डीबी है क्या, हो गया ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं। इसके बाद ठीक है, ये होता है लाभ हानि विभाजन अनुपात, या कई बार ऐसा भी दे देता है। इसका मतलब क्या हुआ,
बराबर बराबर एक एक एक, यानी अगर फॉर्म में 3 रुपए का लाभ हो तो 1 रुपए ए रखेगा, 1 रुपए बी रखेगा, 1 रुपए सी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये उसके ऊपर है। तो लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा उसका पूरा मैटर लिखा रहेगा, उसमें रूल रेगुलेशन लिखा रहेगा। साझेदार का पारिश्रमिक, अगर कोई साझेदार फर्म में काम करता है, अगर कोई साझेदार फर्म में काम कर रहा है ना, तो उसको सक्रिय साझेदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रिय, बकायदा सक्रिय है, वो काम कर रहा है, माल बेचने का काम कर रहा है, खरीदने का काम कर रहा है, गिरहपट के काम करे जा रहा है, खूब मेहनत कर रहा है, ठीक है, जो आप लोग नहीं करते हो, ठीक। तो साझेदारी फर्म को क्या क्या उसको पारिश्रमिक दिया जाएगा? बकायदा वो काम कर रहा है भाई, पारिश्रमिक दिया जाएगा। पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है? किसी के मेहनत के बदले में कुछ भी दोगे उसको पारिश्रमिक बोलते हैं। अब इस पारिश्रमिक में बहुत सारी बातें आ जाती है, जैसे वेतन आ जाता है, कमीशन भी बोलोगे, या इसमें क्या बोल लो आप लोग, वेतन बोल लो, कमीशन बोल लो, या फिर आप इसको मजदूरी बोल लो, या बोनस बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? पारिश्रमिक, पारिश्रमिक में सारे वर्ड आ जाते हैं ना, बोनस, फीस, कमीशन, वेतन, मजदूरी, सब आ जाता है। क्लियर? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए काम करने के बदले में, चलो ठीक है। ख्याति का मूल्यांकन, तो इसके बारे में तो अपने आप में एक चैप्टर है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, छोड़ दो इसको। फर्म के समापन की विधि, अगर फर्म को समापन करना है, हमेशा हमेशा के लिए क्या करना है, बंद करना है, तो उसकी विधि क्या होगी, उसका भी पूरा उल्लेख होता है। हालांकि ये मैंने मेन मेन बात लिख दी, अगर थ्योरी में आते मेन मेन बातों को आप लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ आया?